तो गाइस मैं आप लोगों से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ, जो कि प्लीज आप बुरा मत मानना, क्योंकि आप मैं जानती हूँ आप लोग हमारे फैन हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप है, चाहे कोई भी हो, सबके घर। तो बस हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आप लोग, मैं जानती हूँ हमारे अपने हो, फैंस हो, सब्सक्राइबर हो, और सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी भी होती है, आपकी भी है खुद की, हमारी भी है। और जहाँ तक कि मैं जहाँ बात करना चाहती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, चाहे संदीप भैया हो, संदीप भट्ट, चाहे मीनाक्षी दीदी हो, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी है। तो प्लीज मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, संदीप भैया, मीनाक्षी दीदी अब यहाँ पर नहीं रहते हैं, कोई भी मुझे कमेंट करके या मेरे घर के दरवाजे पे आके हेल्प के लिए बोल रहे हैं, वो चीज मत करो, क्योंकि अब वो यहाँ नहीं रहते हैं। आप संदीप भैया को वो खुद अपने आप नंबर देते हैं अपना, आप उनसे कॉल करो, मैसेज के आप लोगों की हेल्प करें, तो आप लोग सीधा डायरेक्ट संदीप भैया से ही बात करें, आप मेरे घर पे ना आए, क्योंकि मैं जो मैं बात बता रही हूँ वो इसलिए बता रही हूँ, ये बात मैं इसलिए छेड़ रही हूँ, कोई भी बुरा मत मानना, क्योंकि अभी कल परसों की बात है, एक सब्सक्राइबर मेरे घर पे आए हैं, दरवाजे पे आए, मैंने गेट नहीं खोलता, क्योंकि मैं अनजान लोगों के लिए गेट वैसे भी नहीं खोलती हूँ, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, आप लोग समझ सकते हैं ना। तो वो आए, उन्होंने खाली एड्रेस पता कैसे जाना, वीडियो वगैरह जैसे हम बनाते हैं, मैंने उनसे पूछा कि आपको एड्रेस कैसे पता चला, तो कह रहे आपकी वीडियो देखते हैं और संदीप भैया की वीडियो देखते हैं, तो हम पीछे जान मतलब वीडियो में देख के मंदिर वगैरह ये जानकारी लेके, तब ये उन्होंने हमारे मेरे घर का एड्रेस पूछ पाछ के यहाँ मेरे दरवाजे पहुंच गए, कि रोने लगे, मैं बहुत परेशान हूँ, यूपी से आया हूँ, और संदीप भैया से मिलवा दो, उनसे बात करवा दो, और एड्रेस मांग रहे। मैं ऐसे किसी का एड्रेस फोन नंबर क्यों दूंगी, मैं नहीं दे सकती किसी का, भाई अपनी प्राइवेसी है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर है, अपना एड्रेस है, ऐसे हम हर किसी को नहीं दे सकते ना, और अलाउड भी नहीं है हमें ऐसे देना। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मेरे पास इस तरह से रिक्वेस्ट लेके मत आए, कोई मेरा चैनल हेल्पिंग का नहीं है, चैरिटी का नहीं है, मैं सिंपल नॉर्मल ब्लॉग बनाती हूँ अपना और अपने बच्चों का, अपने घरेलू ब्लॉग बनाती हूँ, तो मेरा कोई चैरिटी या हेल्पिंग का ब्लॉग चैनल तो है नहीं। तो जो हेल्पिंग और चैरिटी का ब्लॉग है वो संदीप भैया का है, वो खुद से अपना नंबर आपको देते हैं और अपनी वीडियो में आप उनसे कॉन्टेक्ट करिए, उनको मैसेज करिए, तो प्लीज उनके भी घर ना जाए, हमारे भी घर ना जाए, उनके घर भी बहुत लोग जा रहे हैं, हमारे मेरे घर पे भी आ रहे हैं, मंदिर पे आ रहे हैं लोग वो पूछने के लिए कि रीना कहाँ रहती है, संदीप भैया कहाँ रहते हैं, सर के दरवाजे पे आया मुझे डर, और फिर ऊपर से चलो घर तो आ रहे हैं, बच्चों के स्कूल भी जा रहे हैं मुझे ढूंढने के लिए, बताओ ऐसे कौन करता है, बच्चों की प्राइवेसी है ये, तो बच्चों के स्कूल जाना अलाउड नहीं है, स्कूल वालों को पता चलेगा तो क्या होगा, बच्चों के लिए भी सेफ्टी खराब है ना, बच्चों की सेफ्टी के लिए भी ये ठीक नहीं है, आप लोग प्लीज ना स्कूल जाए ना घर आए, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और जो भी बातें आप संदीप भैया से करिए, मेरे से कोई मतलब नहीं है इस चीज के बारे में बात करने का, हेल्प के बारे में, आप यहाँ पे प्लीज मुझे ना तो कमेंट करें कि संदीप भैया से हेल्प करा दो, या मेरे दरवाजे पे आके बोले कि संदीप भैया से बात करो, तो वो यहाँ नहीं रहते हैं, ना ही मैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर दे सकती हूँ, ना ही मैं उनका एड्रेस दे सकती हूँ, अगर आपको बुरा लगा हो तो प्लीज दिल से सॉरी, और हाँ आप लोग फैन है, सब्सक्राइबर है, आप वीडियो देखते हैं उसके लिए थैंक यू, लेकिन अपनी प्राइवेसी होती है, आप लोग समझ सकते हैं ना गाइस, तो बने रहिए, बस इतनी सी बात करनी थी, तो आप लोग प्लीज किसी के घर जाके किसी को डिस्टर्ब ना करें तो ज्यादा बेटर है, और खासकर बच्चों के स्कूल में तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, वहां पे बिल्कुल नहीं जा सकते आप लोग, अगर मैं वीडियो बनाती इसका मतलब ये नहीं कि आप एड्रेस वगैरह देख के वहां आप उस जगह पहुंचे। तो गाइज आई होप आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे, आप मेरी बात को समझेंगे, जो भी मैं बोल रही हूँ बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि जो भी प्राइवेसी होती है आप लोगों की भी, आप खुद से सोचना, आपके दरवाजे कोई अनजान व्यक्ति चले जाए, किसी की इन्फॉर्मेशन निकाले तो आप दोगे नहीं दोगे ना, तो ऐसे हर कोई भी नहीं देगा, आप डायरेक्ट उनसे बात करो, जिससे आपको हेल्प चाहिए उनसे बात करो, हमसे हेल्प मांग के या हमसे पूछ के कोई मत फायदा नहीं है, इतनी दूर से आप यहाँ तक आए हो तो क्या फायदा, वेस्ट हो गया आपका आना, तो इसलिए दरवाजे पे मत जाओ इस तरह से, अगर हेल्प चाहिए उनको कांटेक्ट करो, उनको मैसेज करो, जब उनका होगा वो उठाएंगे जरूर, वो रिप्लाई जरूर देंगे, तो आप उन्हीं से बात करो, यहाँ आने का कोई फायदा, वो यहाँ पे रहते भी नहीं है, तो उनसे कोई यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है कि आप मेरे पास आए, वीडियो देख के एड्रेस छानबीन करके बच्चों के स्कूल पहुंच जाए, यहाँ आ जाए, तो ये चीज ठीक नहीं है, प्लीज मेरी बात को समझना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा मत करना, अगर बुरा लगा तो सॉरी बोल रही हूँ, मैं अपने दिल से सॉरी बोल रही हूँ। तो चलिए, खासकर आज का वीडियो मेरा बनाने का यही मतलब था,
आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, यही अपडेट करना था कि प्लीज आप लोग मेरी बात को समझेंगे। बाकी जो रहेगा पूरे दिन मैं आप लोग को दिखाऊंगी। आप जानते हैं मेरा डेली का घरेलू ब्लॉग होता है, कोई दान पुण्य का ब्लॉग मेरा नहीं होता, ये चीज आप जानते हैं। दान पुण्य करना होगा मैं अपने मंदिर में करती हूँ, जो भी करती हूँ छोटा मोटा ऐसे कर देते हैं कि आप लोग इस तरह से घर ना आए और ना ही हेल्पिंग के बारे में मुझसे बोले, ना मुझे कमेंट करें कि संदीप भैया कहाँ रहते हैं, उनका नंबर दे दो, उनकी मम्मी का नंबर, वो व्यक्ति मुझसे बोल रहे थे उनकी मम्मी का नंबर दे दो, मीनाक्षी जी का नंबर दे दो। मैं ऐसे किसी का नंबर नहीं दे सकती हूँ और किसी के बारे में नहीं बता सकती हूँ। तो चलिए ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। अंशु ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम से बच्चे हैं, ये शैतानी बहुत करते हैं, आप लोग इनके स्कूल मत जाओ बिल्कुल भी और ना हमारे घर आओ। चलिए ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे, जब तक के लिए बाय 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 बाय। अभी हमारे ये एक अपडेट का ब्लॉग होगा और इसके बाद कल मैं, आज का ही ब्लॉग बना हुआ है तो कल मैं दूसरा ब्लॉग डालूंगी, तो आज का ही मैं कट करके डाल रही हूँ, तो ये ब्लॉग दूसरा है, वो ब्लॉग दूसरा है, तो आप लोग जरूर देखिएगा इनकी मस्ती। बाय।